दिस इज एपिसोड नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज एपिसोड नंबर 17। और इस एपिसोड में हम सेक्शन 164 का पार्ट 3 करेंगे। हमने अभी सेक्शन 164 के पार्ट 1 और पार्ट 2 किए हैं। इस एपिसोड में हम सेक्शन 164 को कंप्लीट करेंगे। ये जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, इसको करेंगे। चलिए अब देखते हैं। तो जितना भी हमने कर लिया, उसके बाद अगला सवाल ये बनता है कि भैया मजिस्ट्रेट साहब के पास स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब इस कन्फेशन या स्टेटमेंट का क्या करेंगे? तो चलिए इसका आंसर हम ढूंढते हैं। बेरेक में आप निकालिए सेक्शन 164 का क्लॉज 6। ओपन योर बेरेक। क्लॉज 6 निकालना है जी। यहां पे देखिए क्या कह रहा है ये। क्लॉज 6 में ये क्लियरली बोल रहा है, द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इन टू और ट्राइड। ठीक है, उसको क्या करना है? उसका काम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करना था। उसने स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उस स्टेटमेंट या कन्फेशन को वो क्या करेगा? फॉरवर्ड कर देगा उस मजिस्ट्रेट को जिस मजिस्ट्रेट को उस केस में या तो इंक्वायरी करनी है या उसकी ट्रायल करनी है। ठीक है, जो कॉग्निजेंस लेगा, और कॉग्निजेंस के बाद हो सकता है कमिट करे वो, या हो सकता है खुद ट्राई करे, वो डिपेंड करेगा कि केस किस लेवल का है, किस किस चीज का केस है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये इतना देखना है कि 164 के सबसेक्शन 6 में ये क्लियरली बताया गया है कि उसके बाद कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद वो फॉरवर्ड कर देगा उस मजिस्ट्रेट को जिस मजिस्ट्रेट को या तो इंक्वायरी करनी है उस मामले में या ट्रायल करनी है, उसको भेज देगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या सेक्शन 164 में जब हम कन्फेशन रिकॉर्ड करें या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट, तो क्या कन्फेशन या स्टेटमेंट देने वाले को ओथ दिलवाई जा सकती है? इसका आंसर है, अगर हम कन्फेशन की बात करें तो कन्फेशन में देर इज नो प्रोविजन ऑफ ओथ, तो कन्फेशन में आप ओथ नहीं दिलाएंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट अगर है, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है, तो ओथ दिलाई जा सकती है। और ये बात कहां कही गई है? ये बात कही गई है क्लॉज 5 में। आप बेरेक निकालिए, क्लॉज 5 में मार्क कराता हूं। एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन, देखिए क्लियरली लिखा गया है, एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन, मतलब वो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट होनी चाहिए। मेन एंड द सबसेक्शन 1 शेल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एज इज इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड। ये अपने काम का नहीं है, अपने काम का ये, इसमें ये मार्क के दिए, द मजिस्ट्रेट शेल हैव द पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हू स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इसने क्या कहा? हर वो स्टेटमेंट जो कि कन्फेशन नहीं है, दैट इज नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट में आप मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट कर नहीं सकता, मजिस्ट्रेट को शैल, इट इज मैंडेटरी फॉर द मजिस्ट्रेट टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हु इज गिविंग द स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कन्फेशन के मामले में देर इज नो प्रोविजन ऑफ ओथ। ये बार बार पूछा जाता है और बच्चों को इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, तो दिस इज द रीजन आई एम क्लियरिंग इट अगेन एंड अगेन। कन्फेशन के मामले में ओथ का प्रावधान नहीं होगा, लेकिन अगर वो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो मजिस्ट्रेट शैल है, मतलब उसका डिस्क्रिशन नहीं है कि वो कराए या ना कराए, उसको कराना ही कराना पड़ेगा। इसलिए इन द केस ऑफ स्टेटमेंट, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट, द मजिस्ट्रेट शेल एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हु इज गिविंग द स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। हालांकि ये हम कर चुके हैं, हमने जब सेक्शन 162 किया था तब इसके बारे में किया था, जो मैं आगे आपको कराने जा रहा हूं। ये है कि रेप और अदर इरोटिक ऑफेंसेज में क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। तो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं सेक्शन 164 के सबसेक्शन 5A में। ठीक है, अब आप बेरेक निकालिए और सबसेक्शन 5A को हम वहीं से करते हैं। जी, सबसेक्शन 5A,
इन केसेस पनिशेबल अंडर, इसको मार्क कर लीजिए, सेक्शन 354, 354A, 354B, ये जितने सेक्शन इन सबको मार्क कर लीजिए, 376, 509, ऑल दी सेक्शंस। ठीक है, इन सेक्शंस में क्या करना है, मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेदारी है, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। इसका मतलब विक्टिम, जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ तो विक्टिम हुआ ना, एज सून एज द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस। ठीक है, तो क्या जिम्मेदारी लगा रहा है सेक्शन 5A, सेक्शन सॉरी सब सेक्शन 5A जिम्मेदारी ये लगा रहा है कि इन इन ऑफेंसेज में कौन से ऑफेंसेज हैं, 354 और 354 से ए टू डी की सीरीज में और 376 की सीरीज में जो ऑफेंस है, सेक्शन 509 ऑफेंसेज की लिस्ट आप वहां से देख लीजिएगा। इन ऑफेंसेज में मजिस्ट्रेट शैल, जैसे ही पुलिस को कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में जानकारी मिले, जैसे ही मिले, एज सून एज पॉसिबल, विक्टिम की स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। और इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है, मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करनी ही करनी है। उदाहरण के तौर पे देखिए, मान लीजिए 154 में पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है कि एक विक्टिम ए है जिनका रेप हुआ है, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आई, सबसे पहला काम क्या करना है, इंफॉर्मेशन रजिस्टर करने के बाद जो ए हैं उनके बयान हम दर्ज कराएंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने। क्यों, सेक्शन 164(5A) ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट देता है। ठीक है, बाकी किसी ऑफेंस में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी ऑफेंसेस में क्या होगा, पुलिस का डिस्क्रिशन होगा, जो आईओ हैं उनका डिस्क्रिशन होगा कि भैया वो स्टेटमेंट करवाना चाहते हैं मजिस्ट्रेट के सामने या नहीं करवाना चाहते। लेकिन इन ऑफेंसेस में, इन पर्टिकुलर ऑफेंसेज में सेक्शन ने क्लियर कर दिया कि भैया अगर ये ऑफेंसेज हैं तो आपको विक्टिम का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराना ही कराना है, इसमें कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। लेकिन इससे अगर अलग ऑफेंसेज हैं तो फिर वो पुलिस का डिस्क्रिप्शन है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्योंकि पुलिस है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का डिस्क्रिप्शन है कि भैया वो किस किस विटनेस का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं नहीं कराना चाहते। ठीक है जी, आई होप आपको ड्रिलिंग की आवाज ना आ रही हो, क्योंकि ड्रिलिंग अचानक से शुरू हो गई है, लेकिन अब हम इस लेक्चर को बीच में नहीं रोकेंगे क्योंकि ये 10-15 मिनट का ही लेक्चर है और ये हमें कंप्लीट करना है। बट आई होप यू आर नॉट बीइंग ट्रबल्ड बाय द ड्रिलिंग वॉइस व्हिच इज कमिंग। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये हो गया कि इन रेप और इरोटिक, इन पर्टिकुलर इरोटिक ऑफेंसेज में जो दिए गए हैं उसमें मैंडेटरी है कि विक्टिम की स्टेटमेंट जरूर मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको दर्ज करानी है, पुलिस का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये शैल शब्द का उपयोग है। तो यहां पर भैया जैसे ही आपको सूचना मिले जितना जल्दी हो सके विक्टिम को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ, और विक्टिम का जो बयान है क्या होगा, बयान में विक्टिम बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ है, किसने ऑफेंस किया, कहां थे, क्या थे, पूरी कहानी, मतलब जो भी विक्टिम बताना चाहता है, जो भी वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट देना चाहता है, वो स्टेटमेंट कहां रिकॉर्ड हो जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब के पास रिकॉर्ड हो जाएगी सेक्शन 164(5A) में। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बेरेक से ही करते हैं, अब ये हो गया, अब आगे पढ़िए। देखिए प्रोविजन 1, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररी और परमानेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। अगर जो विक्टिम है वो या तो टेम्पररली डिसेबल्ड है, और डिसेबिलिटी किस चीज की हो सकती है, फिजिकल भी और मेंटली भी, या फिर वो परमानेंटली डिसेबल्ड है, अगर ऐसी स्थिति है तो मजिस्ट्रेट शैल, मजिस्ट्रेट को क्या करना है, टेक द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और ए स्पेशल एजुकेटर इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। भाई मान लीजिए देयर इज अ वुमन, एक महिला है जो स्ट्रीट पे रहती है, उनका कोई घर नहीं है, होमलेस स्ट्रीट पर रहने वाली महिला है, एंड शी इज ऑल्सो मेंटली डिसेबल्ड। ठीक है, और इस महिला के साथ रेप हो गया है, तो जब पुलिस इसका बयान दर्ज कराने जाएगी 164(5) में, पुलिस इसका बयान करवाने के लिए मजिस्ट्रेट साहब के सामने इसको लेके जाएगी, क्योंकि ये मेंटली डिसेबल्ड है, उसने क्या कहा है, या तो मेंटली डिसेबल्ड हो या फिजिकली डिसेबल्ड हो, या परमानेंट हो या टेम्पररी हो, तो अगर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो मजिस्ट्रेट के लिए जरूरी है कि वो एक इंटरप्रेटर को बुलाएं या एक स्पेशल एजुकेटर को बुलाएं जब उनका बयान लिया जाए, क्योंकि इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर एग्जैक्टली असर्टेन करेगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, उसका बयान तभी रिकॉर्ड होगा।
क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब को नहीं पता, उनकी साइन लैंग्वेजेस, उनका बॉडी लैंग्वेजेस मजिस्ट्रेट साहब नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए एक असिस्टेंस ली जाएगी इंटरप्रेटर की या स्पेशल एजुकेटर की, एंड दिस इज ऑल्सो अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बिकॉज शैल का उपयोग किया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन विद द असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर शैल बी वीडियोग्राफ्ड। दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड विक्टिम की, कि भैया इंटरप्रेटर बुलाओ, स्पेशल एजुकेटर बुलाओ, उसके सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। और दूसरा क्या भैया, ये जो रिकॉर्डिंग होगी स्टेटमेंट की, जब वो व्यक्ति स्टेटमेंट देगा जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, तो उसका वीडियोग्राफी भी आपको करानी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले आपको इसमें देखो एक बात समझने की जरूरत है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है मैं यहां पे बताता हूं आपको। दूसरा कलर लेते हैं कोई अच्छा सा, ग्रीन कलर। ठीक है, देखो हम 164 का 5A पढ़ रहे हैं, तो पहले तो उसने बता दिया रेप और एरोटिक ऑफेंस के विक्टिम का आपको स्टेटमेंट लेना है, जल्द से जल्द लेना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट सेक्शन 164 5A इज टेलिंग। दूसरी बात क्या बोल रहा है प्रोविजो 1 में, वो ये बोल रहा है कि भैया जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट लेंगे जो कि डिसेबल्ड है, वो परमानेंट डिसेबल्ड भी हो सकता है और टेम्पररी डिसेबल्ड भी हो सकता है, फिजिकली डिसेबल्ड भी हो सकता है और मेंटली डिसेबल्ड भी हो सकता है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट लेते हैं तो आपको दो चीज करनी पड़ेगी। पहली चीज क्या, आपको इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर, और दूसरी बात आपको उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करानी है जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड ली जाएगी। ठीक है, लेकिन देखिए यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, जो ये वाला था रेप या एरोटिक, यहां पर किसकी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी, विक्टिम की जिसके साथ ऑफेंस हुआ है। लेकिन जब हम प्रोविजो 1 की बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहा है, पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। अब पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट कौन हो सकता है, पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट विक्टिम भी हो सकता है और पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट कोई आई विटनेस या दूसरा विटनेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये विक्टिम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये वाला जो ऑफेंस था 164 सबसेक्शन 5A का, पहले में जो ऑफेंस बता रहे थे वो ऑफेंस हैं जो कि सिर्फ रेप और एरोटिक ऑफेंस है, और उनका उन्होंने सेक्शन नंबर दे रखा है बाकायदा, 354, 376, 509 सब उन्होंने सेक्शन नंबर दे दिया। लेकिन जो प्रोविजो 1 में बात की गई है वो सिर्फ रेप या एरोटिक ऑफेंस से संबंधित ऑफेंसेस नहीं है, किसी भी ऑफेंस में, दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ऑफेंस में अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने जा रहे हो और स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति, चाहे वो विक्टिम हो चाहे वो विटनेस हो, अगर वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो आपको ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें गलती ज्यादातर क्या होती है, लोगों को लगता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ रेप विक्टिम और इरोटिक ऑफेंस के विक्टिमों के लिए है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। ऑफेंस सिर्फ जो पार्ट वन है, जो 5A है, वो इस बारे में बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोविजो की एंट्री होती है तो प्रोविजो में क्या लैंग्वेज यूज की गई है, चलिए दोबारा से देखते हैं उसको, खोलिए आप अपना बेरेक्ट, क्या लैंग्वेज यूज है प्रोविजो में, देखिए, लेट्स टेक द ग्रीन 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 कलर अगेन, पाकिस्तान का कलर है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मेरी फेवरेट टीम होती थी, अब प्लीज आप मुझे इस बारे में जज मत करना, ठीक है, चलिए कहां पर था, हाँ देखिए, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, क्या है पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि विक्टिम ऑफ दीज ऑफेंसेस, तो किसी भी आदमी का आप स्टेटमेंट लेते हो, अब वो स्टेटमेंट अगेन किसका हो सकता है, विक्टिम का भी हो सकता है भाई, विटनेस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, और वो कोई भी ऑफेंस हो सकता है क्योंकि प्रोविजन में ऑफेंस का भी जिक्र नहीं है। ठीक है, तो उसका आपको क्या करना है, ये दोनों कंडीशन आपको पूरी करनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, दोबारा से अपना बेरेक्ट खोलिए। अब हम पहुंच गए हैं वन, ओके ओके ओके, दिस आई मिस्ड, सॉरी। देखिए जो ये पहले वाला जो हमने सेक्शंस पढ़े थे ना, 354 और ये है 5A का बी सब क्लॉज ए, ठीक है, और यहां पर आता है बी,
तो ये और डिफरेंस इसमें हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बी में क्या है। ठीक है, बी में देखिए, बी में कहता है आ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए, ठीक है, हु इज टेम्पररली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड शेल बी कंसिडर्ड अ स्टेटमेंट इन लियू ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 137 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, क्या कहना चाहता है इससे मैं समझाता हूं आपको। ये कहना चाह रहा है कि देखिए, जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जो कि डिसेबल्ड है, मेंटली, फिजिकली, परमानेंटली या फिर टेम्परली, ठीक है, वो आपको पता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, ठीक है, तो ये जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, ये एग्जामिनेशन इन चीफ मानी जाएगी सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, एग्जामिनेशन चीफ मानी जाएगी। तो ये जनरली होता है क्या है कि जब आप किसी नॉर्मल व्यक्ति की स्टेटमेंट लेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने ली, वो अपना बयान देगा, मान लीजिए वो आई विटनेस, उसने बोला कि देखो मैंने ये देखा, वहां पर ये था, मैं वहां पर इसलिए गया था, जो भी स्टेटमेंट उसने देनी है वो स्टेटमेंट उसने दे दी। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने हुई है, ये स्टेटमेंट कहां पर जाती है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 6 के अनुसार उस मजिस्ट्रेट के पास चली जाएगी जिसको या तो इंक्वायरी करनी है, ट्रायल करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए उस मजिस्ट्रेट के पास चली गई, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ट्रायल हो रहा है। अब ये जो व्यक्ति है जिसने ये स्टेटमेंट दी थी, मिस्टर ए, इनको बुलाया जाएगा एज अ विटनेस और इनकी फिर से एग्जामिनेशन होगी, फिर से क्या, पहली बार एग्जामिनेशन होगी, और जो पार्टी इसको बुलाएगी उसको एग्जामिनेशन चीफ वो करेगा इसका। तो इसका एग्जामिनेशन चीफ कहां पर हुआ, कोर्ट में हुआ। पहले इसने स्टेटमेंट बेशक दे दी, लेकिन दोबारा से, मतलब वहां पर एग्जामिनेशन चीफ जरूर होगा, लेकिन सेक्शन 164 सब सेक्शन 5 का सब क्लॉज बी ये कहता है कि भैया अगर वो व्यक्ति डिसेबल्ड है, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, परमानेंटली या टेम्परली डिसेबल्ड है, और अगर उसने मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट दे दी 164(5)(a) में, तो क्या करना है, हम उसी स्टेटमेंट को उसका एग्जामिनेशन चीफ मान लेंगे और उसका दोबारा से ट्रायल में एग्जामिनेशन इन चीफ करने की जरूरत नहीं है, उसका दोबारा से ट्रायल में एग्जामिनेशन चीफ करने की जरूरत नहीं है, जो मेकर ऑफ द स्टेटमेंट है उसको सीधा हम क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से उसकी स्टेटमेंट हम ट्रायल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप यू आर गेटिंग दी पॉइंट। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मैं ये कह रहा हूं जनरली होता क्या है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, फिर उस आदमी को ट्रायल पे बुलाते हैं, फिर उसकी एग्जामिनेशन चीफ फिर से रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो व्यक्ति डिसेबल्ड है और उसकी अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, तो कोर्ट में उसका फिर एग्जामिनेशन चीफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन चीफ उसका पहले ही रिकॉर्डेड मान लेंगे स्टेटमेंट को, उसका डायरेक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन चीफ को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये उसकी मतलब कोर्ट में जाके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, जो पुरानी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने दी थी उसी बेस पर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये सेक्शन 164 का सब सेक्शन 5 का सब क्लॉज बी कहता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने इस एपिसोड के और सेक्शन 164 के लास्ट एस्पेक्ट पे, और वो है सेक्शन 80 की प्रिजम्पशन। सेक्शन 80 किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का। हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ये टॉपिक किया था, लेकिन हम इसको दोबारा से 164 में दोबारा से कर रहे हैं। देखिए, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, मैंने आपको बार बार बोला कि चाहे कन्फेशन रिकॉर्ड हो या स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो, ठीक है, होता क्या है कि वहां पर वो रिकॉर्डिंग हो गई, उसके बाद वो जाती है मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट साहब को नहीं बुलाया जाता, सिर्फ वो स्टेटमेंट जाती है। ठीक है, तो सेक्शन 80 ये कहता है कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है, जो कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है और उसके संदर्भ में जो डॉक्यूमेंट बनाया, मतलब जिस पे रिकॉर्डिंग हुई है, जिस पे अक्यूज के साइन है और जिस पे मेमोरेंडम मजिस्ट्रेट साहब ने साइन किया है, उसके मामले में एक प्रिजम्पशन रहेगी। और प्रिजम्पशन क्या है,
कोर्ट मतलब प्रज्यूम करके चलेगा उस डॉक्यूमेंट के बारे में, प्रेजम्पशन है जेन्युइननेस को लेके। जेन्युइननेस क्या कि भैया जो रिकॉर्ड ऑफ द कन्फेशन है ना वो जेन्युइन है, मतलब कन्फेशन जेन्युइनली रिकॉर्ड हुआ है। और दूसरा क्या, सर्कमस्टेंसेस जो स्पेसिफाई किए गए हैं इसमें आपके कन्फेशन में वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रेजम्पशन है सेक्शन 80 कि जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम कन्फेशनल स्टेटमेंट बोल रहे हैं दैट इज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट, और वो जेन्युइननेस के बारे में प्रेजम्पशन करता है। जेन्युइननेस किस चीज को लेके, रिकॉर्ड ऑफ द कन्फेशन एंड द सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफाइड देयरिन। और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कि भैया वो जो रिकॉर्ड है वो ड्यूली रिकॉर्डेड है। ड्यूली रिकॉर्डेड मतलब सारी फॉर्मेलिटीज, जितनी भी फॉर्मेलिटीज चाहे 164 में बताई गई हैं या अलग से जुडिशियल प्रेसिडेंस में है, वो सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद ही कन्फेशन को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम किस चीज को प्रज्यूम कर रहे हैं? देखिए आपको इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके समझने की जरूरत है। देखिए प्लीज पे अटेंशन, मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि जेन्युइननेस को लेकर प्रेजम्पशन है कि अगर मजिस्ट्रेट के वहां से कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गई, उस कोर्ट के पास आई जिसको इंक्वायरी या ट्रायल करना है, ठीक है, अब जब इस कोर्ट के पास आएगी तो ये मान के चलेगा कि ये जेन्युइन है। उसकी जेन्युइननेस के लिए मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया जाएगा कि भैया मजिस्ट्रेट को बुलाओ, हम उससे पूछेंगे कि जेन्युइन है या नहीं है, वो प्रज्यूम किया जाएगा कि ये जेन्युइन है। और क्या जेन्युइन है? रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन जेन्युइन है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि प्रेजम्पशन इज नॉट अबाउट द ट्रुथफुलनेस ऑफ द कन्फेशन, मतलब यहां पर प्रेजम्पशन ये नहीं है कि कन्फेशन ट्रू है। कन्फेशन हो सकता है झूठा हो सकता है आदमी झूठ बोल रहा हो, लेकिन रिकॉर्ड किया गया है। हम यहां पर किस चीज की गारंटी लेने की बात कहते हैं कि भैया हां ये रिकॉर्ड किया गया है, सारी फॉर्मेलिटीज के बाद रिकॉर्ड किया गया है, और इस डॉक्यूमेंट में जितने भी सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं वो सब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वो कन्फेशन सच्चा था झूठा था वो काम उसका नहीं है प्रेजम्पशन का, वो तो अभी कोर्ट में बाकायदा उस पर बहस होगी, उसको प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट प्रज्यूम क्या करके चलेगा कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन है वो जेन्युइन है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मजिस्ट्रेट साहब वहां पर थे ही नहीं और मजिस्ट्रेट साहब की एब्सेंस में उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, ये नहीं माना जाएगा। हम ये मानेंगे चलेंगे कि अगर मजिस्ट्रेट साहब के वहां से डॉक्यूमेंट आ गया कन्फेशन का तो इसका मतलब वो जेन्युइनली रिकॉर्ड किया गया है। वो सच्चा है झूठा है इसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके बारे में ना कोई प्रेजम्पशन है, सिर्फ प्रेजम्पशन इस बात को लेकर है कि हां रिकॉर्ड हुआ है, ड्यूली रिकॉर्ड हुआ है, और जो भी सर्कमस्टेंसेस उसमें मेंशन किए गए हैं वो सारे सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है सेक्शन 80 में। सेक्शन 80 देखिए मैं यहां पर खोल के नहीं बता रहा हूं इंडियन एविडेंस एक्ट का, आप खुद अपना बेरेक निकालिए और साथ में सेक्शन 80 पढ़िए, क्योंकि मैं आपको एविडेंस में भी करा चुका हूं, यहां पर मैं सिर्फ उसको दोबारा से बता रहा हूं। तो हम क्या कह रहे थे कि शैल शब्द का उपयोग किया गया है सेक्शन 80 में, तो इसका मतलब ये प्रेजम्पशन मैंडेटरी है, कोर्ट ये प्रेजम्पशन करके ही चलेगा कि हाँ ये जेन्युइन है। लेकिन सिर्फ शैल शब्द का उपयोग है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर डिफेंस इसको रिबट करना चाहे तो इसको रिबट कर सकता है, अगर डिफेंस ये आर्ग्यू करना चाहे या प्रूव करना चाहे कि साहब ये प्रेजम्पशन जो है इस मामले में फिट नहीं बैठता क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है वो जेन्युइनली रिकॉर्डेड नहीं किया गया है, तो डिफेंस को वो पूरा अधिकार है, डिफेंस उसको रिबट कर सकता है। ठीक है जी, तो इसमें रिबट क्या करेगा, अगेन वो ट्रुथफुलनेस की बात नहीं कहेगा कन्फेशन ट्रुथफुल है या नहीं है या कन्फेशन झूठा है, वो सिर्फ इस बात को रिबट कर सकता है कि भैया जो सर्कमस्टेंसेस वहां पर मेंशनड है वो इनकरेक्ट है और प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, उस कन्फेशन में सारी स्टेटमेंट आ गई, नीचे उसका मेमोरेंडम आ गया मजिस्ट्रेट का और उसमें सारी चीजें एक्सप्रेस कर दी कि भैया ये पुलिस कस्टडी से लाया गया था और इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन में सब ठीक मिला। ठीक है, तो ये जब डॉक्यूमेंट इंक्वायरी या ट्रायल कोर्ट में जाएगा तो ये प्रज्यूम किया जाएगा कि भैया ये बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की गई हैं, जो भी प्रोसेस फॉलो करना था वो किया गया है, अक्यूज्ड को वार्निंग दी गई है, अक्यूज्ड को समझाया गया है कि भैया आप बाउंड नहीं हैं, आप चाहे तो मत दीजिए, आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, वॉलेंट्री नेस चेक करी गई है, जो भी फॉर्मेलिटीज और जो भी प्रोसीजर हमने पढ़ा था पिछले एपिसोड में वो सारी फॉर्मेलिटीज
की गई हैं, ये चीज प्रिज्यूम की जाएगी। क्या चीज प्रिज्यूम की जाएगी? दैट द रिकॉर्ड इज जेन्युइन, रिकॉर्ड करना इज जेन्युइन, लेकिन कन्फेशन जेन्युइन है या नहीं है, कन्फेशन में अक्यूज ने सच बोला है झूठ बोला है, उसके बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं है, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग जेन्युइन है जी, इसके बारे में प्रिजम्पशन है। अब इसके बारे में डिफेंस ऑब्जेक्ट कर सकता है कि नहीं साहब, इस प्रिजम्पशन को हम रिबट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू आर्ग्यू एंड प्रूव दैट द प्रोसीजर वॉज नॉट फॉलोड, और जो सर्कमस्टेंसेज इसमें बताई गई हैं, मान लीजिए उसमें लिखा है कि 4 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद अक्यूज मेरे पास आया था, लेकिन असलियत में क्या था कि 13 दिन की पुलिस कस्टडी हो गई थी, ठीक है, तो ये सर्कमस्टेंसेज अलग हो गए ना। तो इस तरीके से डिफेंस जो काउंसिल है वो इसको आर्ग्यू कर सकता है और प्रूव कर सकता है कि नहीं, जो आप रिकॉर्ड को जेन्युइन मान के चल रहे हैं वो रिकॉर्ड जेन्युइन नहीं है, ठीक है। चलिए अब लास्ट पॉइंट इसमें मैं बता देता हूं, जो प्रेजम्पशन की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 164 में कन्फेशंस में माना जाएगा। जो हम प्रेजम्पशन की बात कर रहे हैं, सेक्शन 80 के प्रेजम्पशन की बात, वो ओनली सेक्शन 164 में आने वाले कन्फेशन में माना जाएगा। अगर वो सिर्फ स्टेटमेंट है, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट 164(5) में या 5A में, उसमें सेक्शन 80 का प्रेजम्पशन नहीं अप्लाई होगा। द प्रेजम्पशन ऑफ सेक्शन 80 विल ओनली अप्लाई इन द केस ऑफ कन्फेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 एंड नॉट इन द केस ऑफ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 5A। विद दिस हमारा सेक्शन 164 खत्म होता है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, और फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू।